बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 6, आ सिंधी वुमन, एक सिंधी औरत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अहम सवालात और जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। गिव अ समरी ऑफ द पोएम, नज़म की समरी बयान करें इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में, यानी आ सिंधी वुमन की समरी अपने अल्फाज में बयान करें। आंसर, द पोएट इज इंप्रेस्ड By the grace of a Sindhi woman, the poet is impressed. शायर मुतासर है by the grace of a Sindhi woman, एक सिंधी औरत की अदा से, अंदाज से। The grace, अदा या अंदाज। Impressed, मुतासर है। Is impressed, मुतासर है। She is walking straight through stones and the bits of glass. She is walking, वो चल रही है, straight, सीधी चल रही है, straight, सीधी, through stones, पत्थरों में से, and the bits of glass, और शीशे के टुकड़ों में से, bits, टुकड़े, glass, शीशा। She with a jar on her head is walking straight. She with a jar on her head, जार कहते हैं मर्तबान को, वो अपने सर पर एक मर्तबान के साथ, इज वॉकिंग, चल रही है, स्ट्रेट, सीधी। द पोएट लर्न्स दैट द पर्सन्स, द पोएट लर्न्स, शायर जान लेता है दैट द पर्सन्स हु फेस डिफिकल्टीज, के वो लोग, पर्सन्स, पर्सन शख्स, शख्सियात जमा, यानी वो लोग हु फेस डिफिकल्टीज, जो सामना करते हैं डिफिकल्टीज का, मुश्किलात का, आर एबल टू वॉक विद देयर हेड्स अरेक्ट, आर एबल टू वॉक, चलने के काबिल हो जाते हैं, विद देयर हेड्स अरेक्ट, अपना सर उठाकर, अरेक्ट, उठाकर। क्वेश्चन नंबर 2, What did the poet reflect when he saw the woman? What did the poet reflect? शायर ने क्या सोचा? When he saw the woman, जब उसने उस औरत को देखा, यानी सिंधी वुमन को। Answer: The poet reflects that only those. The poet reflects. शायर सोचता है कि सिर्फ वो who carry the load of life, वो जो जिंदगी का बोझ उठाते हैं, can walk gracefully, can walk, चल सकते हैं gracefully, सलीके से, बावकार अंदाज में। He thinks that hardships polish man. He thinks, वो सोचता है कि hardships, सख्तियां, तलखियां, मसाइब, polish man, इंसान को polish करते हैं, संवारते हैं। Man should learn to do his duties honestly. Man should learn, इंसान को सीखना चाहिए, to do his duties honestly, duties, अपने फराइज को करना ऑनेस्टली, ईमानदारी से। इंसान को अपने फराइज ईमानदारी से अदा करना सीखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कौन सी पोएम, अ सिंधी वुमन, इस नज़्म का मरकजी ख्याल क्या है। आंसर, The poet sees a Sindhi woman
शायर एक सिंधी औरत को देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंधी का एस आप कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये सिंध से लिया गया है, सिंध के रहने वाली। एस आप कैपिटल लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। शायर एक सिंधी औरत को देखता है। शी इज कैरियंग अ जार। जार कहते हैं मर्तबान को। वो एक मर्तबान उठाए हुए है। बट शी इज वॉकिंग स्मूथली। बट शी इज वॉकिंग, लेकिन वो चल रही है स्मूथली, रवानी से। देयर इज नो रिपल इन हर ग्रेस। देयर इज नो रिपल, कोई डगमगाहट नहीं। इन हर ग्रेस, उसकी अदा में, उसके अंदाज में कोई डगमगाहट नहीं। यानी उसकी, यहां पे मुराद ग्रेस चाल, उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं। द पोएट कंक्लूड्स, शायर नतीजा अखज करता है, दैट ओनली दोज हु कैरी द लोड ऑफ लाइफ, कि सिर्फ वो जो कैरी द लोड ऑफ लाइफ, जिंदगी का बोझ उठाते हैं, कैन वॉक ग्रेसफुली, कैन वॉक चल सकते हैं ग्रेसफुली, सलीके से, बावकार अंदाज में चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स, व्हाट काइंड ऑफ अ पिक्चर, किस किस्म की तस्वीर ऑफ द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों की। स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादियां। डू वी गेट, हम हासिल करते हैं, आफ्टर रीडिंग द पोएम, नज़म पढ़ने के बाद। आंसर, इट इज अ प्लेस, ये एक ऐसी जगह है, वेयर देयर आर लाइंग स्टोन्स, जहां पर पत्थर पड़े हुए हैं। द हीप्स ऑफ गॉबिज आर लाइंग हियर एंड देयर। हीप्स, ढेर, ऑफ गॉबिज, कूड़ा करकट के ढेर। हीप्स, ढेर, गॉबिज, कूड़ा करकट, गलाजत, गलाजत के ढेर। और लॉइंग हियर एंड देयर, इधर उधर, मतलब यहां वहां इधर उधर पड़े हैं। द पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लासेस आर लॉइंग देयर, लाई पड़े हैं और लॉइंग पड़े हुए हैं। द पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशों के टुकड़े, पीसेस, टुकड़े, आर लाइंग पड़े हैं देयर, वहां, वहां टूटे हुए ग्लासों के टुकड़े पड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पोएम नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।